ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन यानी मॉड्यूलस के बारे में समझा था। मैं कुछ छोटी छोटी बातें फिर से रिकॉल करवा देता हूं, फिर मैं होमवर्क के बारे में डिस्कशन करूंगा जो पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क दिया था। ठीक है, अब हमने करा था कि भाई अगर हमारे पास कोई भी नंबर है मॉड एक्स, अगर वो नंबर है एक्स, तो अगर नंबर हमारा दो तरीके से होगा। अगर हमारा नंबर एक्स से, एक्स की वैल्यू जो होगी वो अगर जीरो से बड़ी या जीरो के बराबर होती है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा, एक्स के बराबर मिलेगा। लेकिन अगर ये वैल्यू एक्स से छोटी हो जाती है तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एक्स। मैं इसके पिछले लेक्चर में आपको बता भी चुका हूं कि माइनस एक्स क्यों आएगा। अगर कोई भी आंसर है और कोई भी मॉड्यूलस, कोई भी नंबर अगर उसका मॉड्यूलस लगा दें तो वो हमेशा किसके बराबर आता है, जीरो या जीरो से बड़ा आता है, यानी इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर मॉड्यूलस ऑफ किसी भी नंबर का आंसर छोटा आ रहा है जीरो से, यानी नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इट इज नॉट पॉसिबल। ये मैंने बात कर ली थी। फिर मैंने एक दो कंडीशंस की बात करी थी। अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स किसी भी नंबर यानी मान लो फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ए, तो ए का कब आएगा, तो इसको एक एग्जांपल से समझाया था मैंने, आज उसका क्वेश्चन भी होने वाला है कि मान लीजिए एक्स की वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ एक्स की वैल्यू बड़ी है टू से, तो ये टू से बड़ी कब हो सकती है, कब हो सकती है, अगर एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, अगर एक्स की वैल्यू या तो टू के बराबर हो, अगर एक्स की वैल्यू टू से बड़ी हो, या तो टू के बराबर हो या टू से बड़ी हो, तो टू से बड़ी हो या टू के बराबर हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक्स की वैल्यू छोटी हो किससे, टू से, माइनस टू से, या माइनस टू से और छोटी हो, यानी टू के, माइनस टू के बराबर हो या माइनस टू से छोटी हो। इसको रख के देख लो एक बार। एक बार टू रखो तो आंसर आएगा टू या टू के बराबर, एक बार थ्री रखो तो आंसर क्या आएगा, थ्री से बड़ा, मतलब बड़ा हो जाएगा टू से। लेकिन अगर माइनस टू भी रखेंगे तो भी किसके बराबर आ जाएगा, टू के बराबर आ जाएगा। माइनस थ्री रखेंगे तो भी क्या होगा, थ्री टू से बड़ा हो जाएगा। मतलब अगर इससे बड़ी या बराबर, या इससे छोटी बराबर या बराबर, तो आंसर ये आएगा। अब देखो एक काम कर लेते हैं, इसको एज इट इज ऐसा लिख देते हैं एक कंडीशन के हिसाब से। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी या किससे बड़ी होगी, a से बड़ी या a से बराबर होना चाहिए, या x की वैल्यू छोटी या बराबर होना चाहिए किसके, माइनस a से। ये हो गई हमारी जनरल कंडीशन। इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था, बोलो हाँ या ना, करा था? हाँ सर, बिल्कुल सर। माइक पे ऑन रखने के लिए रेडी रहना, जब मैं सवाल पूछूं तो उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। अब ये दिया था होमवर्क, किस किस ने होमवर्क कर लिया है पहले तो ये बता दो। होमवर्क कर लिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया। अगर होमवर्क नहीं किया है और एक बार कर लिया है तो मैच कर लो, नहीं किया है तो गलत बात है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपके पास ये है कि मॉड ऑफ 3x माइनस 2 प्लस ऑफ x बराबर 11, तो x को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास आएगा मॉड ऑफ 3x माइनस 2 बराबर 11 माइनस x। बोलो ये आ जाएगा? हाँ सर। अब क्या करेंगे, पेरेंट कंडीशन पर फॉलो करेंगे। पेरेंट कंडीशन क्या होती है कि ये वैल्यू कैसी होना चाहिए, या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो हम ले लेंगे केस नंबर वन। क्या लेंगे बच्चों, केस नंबर वन के अंदर जो बैठा हुआ है वो कैसा है, जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर है। और जब ऐसा होगा तो हमारे पास 3x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 2 के बराबर। x की वैल्यू किससे बड़ी होना चाहिए, 2/3 से बड़ी या 2/3 के बराबर होगी। ये हो गई पेरेंट कंडीशन। यस और नो, पेरेंट कंडीशन निकालना अति आवश्यक है। इसको बोलते हैं पेरेंट कंडीशन, क्योंकि अगर पेरेंट कंडीशन को वो फॉलो नहीं करेगा तो आंसर को क्या कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ में आया? अब अगर ये पॉजिटिव है, अगर अंदर नंबर जो लिखा है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब ये एज इट इज आ जाएगा मॉड के बाहर। मॉड को सॉल्व कर रहे हैं हम, 3x माइनस 2 बराबर 11 माइनस x, माइनस x इधर, 12 इधर, तो आ जाएगा 3x माइनस हो गया प्लस, 11 माइनस हो गया प्लस 2। 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 11 और 2 13, 13, और ये हो जाएगा 4x। देयरफॉर 4x बराबर 13, तो x बराबर पॉजिटिव का 13 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये आंसर सही आ रहा है, क्या ये पेरेंट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, चेक आपको करना है। हमारा आंसर, जो x का आंसर आना चाहिए वो 2/3 से बड़ा आना चाहिए, ऑब्वियसली बड़ा है,
2 by 3 यानी 0 point something और 13 by 4 यानी 3 point something which is greater than 3 by 4, 2 by 3, बहुत बढ़िया। अब हमें केस नंबर 2 लेना है बच्चों, तो हमारा जो केस नंबर 2 होगा वो क्या होगा, अंदर जो है वो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर मतलब लेस देन 0। अब मैंने यहां पर लेस और ग्रेटर इक्वल टू 0 ले लिया, तो यहां लेस देन ले लेते हैं, तो आ जाएगा 3x माइनस 2 इज लेस देन 0, यानी 3x इज लेस देन शुड बी लेस देन 2, यानी x शुड बी लेस देन 2 बाय 3। अब पेरेंट कंडीशन ये कह रही है कि लेस देन 2 बाय 3 आना चाहिए, मतलब इससे भी छोटा आना चाहिए x की वैल्यू। चलो रखो अब माइनस के साथ, तो माइनस ऑफ 3x माइनस ऑफ 2 बराबर 11 माइनस x, माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर 11 माइनस x, 11 माइनस x इधर आएगा प्लस का x, माइनस का 3x प्लस का x बराबर 11 माइनस 2, 11 माइनस 2 कितना हो जाएगा 9, ये आ जाएगा माइनस का 2x बराबर 9, x बराबर माइनस का 9 बटे 2, कितना आ रहा है x बराबर माइनस का 9 बटे 2 यानी 3.2। अब बताओ क्या x की वैल्यू, क्या x की वैल्यू 2 बाय 3 से छोटी है? ऑब्वियसली अगर नेगेटिव आ गई तो छोटी है, नेगेटिव आ गई तो छोटी है, इसका मतलब ये भी पप्पू पास हो गया भैया। क्यों हो गया? क्योंकि ये पेरेंट कंडीशन को फॉलो कर गया। तो हमारा एक आंसर तो आ गया प्लस का 13/4 और दूसरा आंसर आ गया हमारा माइनस का 9/2। इज इट करेक्ट, इज इट क्लियर? होमवर्क सही आया, क्वेश्चन सही आया बेटा, आंसर सही आया आपका? त्रिशा आपका बेटा? कोई बात नहीं, अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया है ना, जो मैंने अभी आपको सिखाया, इसके पहले क्या सिखाया मैंने बच्चों, मैंने सिखाया कि अगर मेरा कोई भी नंबर ग्रेटर हो किससे, ए से, तो जो मेरे एक्स की वैल्यू होगी वो किसके बड़ी होना चाहिए, ए से बड़ी होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए माइनस ए से। ये मैंने अभी सिखाया आपको, बस वही कंडीशन फॉलो हो गई। अंदर लिखा हुआ है x की जगह x माइनस 3, a की जगह लिखा है 2, तो क्या होना चाहिए x की वैल्यू जो अंदर लिखा हुआ है यानी x माइनस 3 किससे बड़ी होना चाहिए, 2 से बड़ी होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या बोलेगा, x माइनस 3 छोटी या बराबर होना चाहिए किससे, माइनस ऑफ 2 से। हो गया खेल? तो देखो 3 इधर गया तो 2, x की वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए 5 से, 3+2 5, और हो जाएगा x छोटा किससे हो जाएगा माइनस 2 प्लस 3, तो x की वैल्यू छोटा या बराबर किससे होना चाहिए, प्लस 1 से। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या है, x की वैल्यू बड़ी या बराबर 5 से और छोटी या बराबर प्लस 1 से, बड़ी बराबर 1 से, छोटी बराबर 1 से। भैया ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, है ना, सही है, मैच कर गया? हाँ सर बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन मैंने कहा था आपको पिछली क्लास में कि यह क्वेश्चन भौकाल है बेटा, मैं समझाऊंगा, है ना। तो क्वेश्चन क्या है वो सुनो, तीन नंबर है हमारे पास, तीन पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर पता नहीं, उन्होंने बोला तीन नंबर है और तीनों का नंबर, जो तीन नंबर है वो है ए बी और सी, ए बी और सी, इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है यानी ए इंटू बी इंटू सी जो है वो क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है जीरो से, किससे आ रहा है, छोटा आ रहा है जीरो से, जीरो से छोटा आ रहा है। और जब इन तीनों को ऐड करता हूं यानी a प्लस बी प्लस सी तो बड़ा आ रहा है जीरो से, जब तीनों को ऐड करता हूं तो बड़ा आ रहा है जीरो से, तो बोल रहा भैया मॉड ऑफ a अपॉन a प्लस मॉड ऑफ b अपॉन b प्लस मॉड ऑफ c अपॉन c की वैल्यू अगर x है, अगर मॉड ऑफ a अपॉन a प्लस मॉड ऑफ b अपॉन b प्लस मॉड ऑफ c अपॉन c अगर x है, तो आपको फाइंड करना है x की पावर 3 प्लस 16x माइनस 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी, यानी अल्टीमेटली हमें a और b और c की वैल्यू निकालनी है और उससे x की वैल्यू मिलेगी और x से हमें इसकी वैल्यू पुट करना पड़ेगी, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे होगा, इसकी सोच, इसकी अप्रोच कैसी होगी वो सुनो। अगर तुमको पता है कि तीन नंबर हमारे पास हैं, तो मैंने कहा एक नंबर a है, एक नंबर b है और एक नंबर c है, अगर इन तीन का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, इन तीन का मल्टीप्लीकेशन अगर आ रहा है लेस देन जीरो, यानी इनमें से कुछ नेगेटिव होंगे और कुछ पॉजिटिव होंगे, एक काम करते हैं ए को नेगेटिव मानते हैं, बी को पॉजिटिव मानते हैं और सी को भी पॉजिटिव मानते हैं,
तो नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, और अगर कोई नंबर नेगेटिव है इसका मतलब वो लेस देन जीरो होगा, यानी एक नेगेटिव दो पॉजिटिव, बोलो हाँ या ना। एक कंडीशन तो ये बनती है, बोलो। यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगर एक काम करते हैं, एक दो पॉजिटिव और एक नेगेटिव करते, आ जाओ, ये हो गया। अब मान लो एक नेगेटिव और दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव कर दे तो क्या करेंगे? तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मींस दैट इट विल बी ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती तीनों नंबरों में से। अगर मैं एक नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा नेगेटिव कर दूं तो नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव इनटू नेगेटिव विल बी नेगेटिव, देन द आंसर विल बी लेस देन जीरो। यानी अगर तीनों नेगेटिव हो जाएं तो भी मेरा जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा? लेस देन जीरो आएगा। यस और नो? यानी ये दो कंडीशन फॉलो हो रही है, इसके अलावा और कोई कंडीशन मेरे ख्याल से फॉलो नहीं हो रही। दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव, ना, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि ये दो कंडीशन ही फॉलो हो सकती हैं, बोलो हाँ या ना। लेकिन उसने एक कंडीशन और दे दी, उसने क्या बोला? उसने बोला भैया इन तीनों का सम, यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो ग्रेटर देन जीरो है, दोनों जीरो से बड़ा है। इसका मतलब अगर मैं इस कंडीशन की बात करूं तो माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी, तो मेरा आंसर ग्रेटर देन जीरो आएगा क्या? माइनस ए माइनस बी माइनस सी, कुछ भी नंबर ले सकते हो, ये कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि भैया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव को ऐड करने पर नेगेटिव ही आ रहा है। इसका मतलब ये ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं तीनों नंबरों को ऐड करूं तो वो क्या आ जाए? ग्रेटर देन जीरो आ जाए। तो आप क्या करें? तो भैया ये कंडीशन तो हो गई नेगलेक्ट। इसका मतलब एक ही कंडीशन बच रही है अब हमारे सामने, वो क्या बच रही है? नेगेटिव और पॉजिटिव और पॉजिटिव, मतलब कोई दो नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव हो। तो देखो अगर मेरे पास एक ए की वैल्यू हो जाती है 3 और बी की वैल्यू हो जाती है 4 और सी की वैल्यू हो जाती है मेरे पास -2, तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन तो ग्रेटर देन स्मॉलर देन जीरो, और एडिशन देखो 4 + 3 - 2 आंसर कितना आएगा? 4 + 1 यानी आंसर आएगा 5, वो हो रहा है ग्रेटर देन जीरो। तो ये कंडीशन फॉलो हो गई। ठीक है, इसका मतलब मैं मान सकता हूं कि किसी दो को पॉजिटिव मान लो, तो ए को मैंने मान लिया पॉजिटिव, यानी मैंने ए को मान लिया ग्रेटर देन जीरो, बी को मान लिया ग्रेटर देन जीरो और सी को मान लिया लेस देन जीरो। ए को मान लिया ग्रेटर देन जीरो, बी को मान लिया ग्रेटर देन जीरो और सी को मान लिया लेस देन जीरो। इसका मतलब मॉड ऑफ ए कैसा रहेगा? ए ए अपॉन ए। मॉड ऑफ बी कैसा रहेगा? बी बी अपॉन बी। और मॉड ऑफ सी क्या होगा? माइनस सी। तो आएगा माइनस का सी अपॉन सी, किसके बराबर हो जाएगा? एक्स के बराबर। ए से ए कैंसिल बचा 1, बी से बी कैंसिल बचा 1, सी से सी कैंसिल बचा -1। तो 1 + 1 - 1 = x, x बराबर 1 से 1 कैंसिल बचा कितना? 1। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 1 के बराबर आ गई। अगर x की वैल्यू 1 के बराबर, यानी 1³ + 16 × 1 - 7, तो आएगा 17 - 7 आंसर आ जाएगा 10। और अगर आंसर 10 आ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? डाउट है क्या? डाउट है क्या? खतरनाक लग। मैं समझाता हूं, नहीं आया समझ में, मैं बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो बाहर कैसे आएगा? जरा बताओ बाहर कैसे आएगा? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव आएगा तो कैसे आएगा? मान लो अंदर मॉड के अंदर एक्स लिखा हुआ है और ये नेगेटिव है, तो इसका आंसर क्या आएगा? माइनस एक्स हो जाएगा ना। नहीं समझी? मैं समझाता हूं। मान लो अंदर मॉड के अंदर -2 है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए क्या कर दूंगा? -(-2), तो आंसर हो जाएगा +2। यस और नो? मॉड को सॉल्व करने का तरीका, भाई पहली क्लास में, इसके पहले वाली क्लास में मैंने क्या बताया था मॉड को सॉल्व करने का तरीका? क्या था मॉड को सॉल्व करने का तरीका? यह था कि अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो उस नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दो? -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। अब मैंने यही तो बोला आपको, ये कंडीशन देखो ना, ये कंडीशन चेक करो, एक्स की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, तो मॉड ऑफ सी को, सॉरी, सी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है, स्मॉलर देन जीरो। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? -c से -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस को सी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर क्या आया? -c। यस और नो?
अब माइनस सी आ गया तो माइनस सी से सी कैंसिल, माइनस वन बी से बी कैंसिल, बचा कितना, और दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ गया मेरा बच्चों प्लस का 10, क्लियर, इज इट क्लियर, अभी क्लियर है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन एकदम शानदार, जेईई मेंस 2020, ये रिसेंटली क्वेश्चन दिया है भैया, मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं वो क्यों पढ़ा रहा हूं वो ये क्वेश्चन बताएगा। क्वेश्चन है बहुत शानदार, क्वेश्चन है 9x² + 18 mod of x + 5 = 0, तो बच्चों क्या हो जाएगा, 9x² + 18 mod of x + 5 = 0। तो बच्चों एक चीज ये समझ लेना कि अगर मॉड ऑफ एक्स है तो मुझे नहीं पता एक्स कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो मैं क्या करूं, ऐसा क्या करूं, तो सोच डेवलप कहां से होगी, सोच लो पहले, सोच कैसे डेवलप होगी वो बताता हूं, और ये इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूं तुमको, फिर इसके बाद कुछ होमवर्क दूंगा, एक्सरसाइज दूंगा, और वो करना है तुमको। आप समझो 9x² + 18 mod of x, क्या मैं x स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना, बोलो क्या मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो हाँ। अरे भार तो पॉजिटिव ही आया ना, तो मैं मॉड ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, पॉजिटिव ही आएगा ना, अब स्क्वायर कर दिया तो मॉड करके स्क्वायर कर दूं, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाए, स्क्वायर का काम भी यही तो रहता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव करना और नेगेटिव को नेगेटिव। अब यहां ऑलरेडी स्क्वायर लिखा है तो क्या मैं मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, बोलो। अरे भाई -1 का स्क्वायर या -1 के मॉड का स्क्वायर, बात तो सेम ही है ना। बहुत शानदार। अब वो ये कह रहा है कि भैया 9 mod of x² + 18 mod of x + 5 = 0, मॉड को सॉल्व करना, असली आंसर वहीं मिलेगा। मॉड को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो दो चीजें दिख रही हैं, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड एक्स, तो आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ एक्स को ए मान लो, क्या मान लो, मॉड ऑफ एक्स को ए मान लो, लेट मॉड ऑफ एक्स इज ए, तो क्या करेंगे 9a² + 18a + 5 = 0, क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। हां सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो लगा दो खेल, तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, क्या हो जाएगा 45 का ऐसा फैक्टर कि 18 आ जाए, 15 और 3, हाँ सर, तो आ जाएगा 9a² + 15a + 3a + 5 = 0, नील बटे सन्नाटा, इन दोनों में से कॉमन आएगा 3a, बचा 3a + 5, इन दोनों में से कॉमन +1, बचा 3a + 5 = 0, नील बटे सन्नाटा 0, आया 3a + 5 = 0, या फिर सॉरी 3a + 5 × 3a + 1 = 0, तो आ जाएगा 3a = -5, a = -5/3, ये हो गया बेटा आंसर पहला, ठीक है, और आंसर आएगा 3a + 1 = 0, यानी आंसर आ जाएगा 3a = -1, a = -1/3, बोलो हाँ हाँ सही है, इतनी पिक्चर क्लियर हुई, बोलो हाँ ना। अब मुझे एक ही जगह क्या रखना है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, मॉड ऑफ एक्स है ना, मॉड ऑफ एक्स, देखो अगर मैं कहूं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5/3, अगर मैं कह रहा हूं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5/3, और यहां लिख देता हूं मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/3, देखो दोनों आंसर पॉजिटिव आ रहा है ना, है ना, है ना, बोलो
भाई मैंने ए की वैल्यू किसके बराबर रखी है, ए की वैल्यू रखी है मैंने किसके बराबर, मॉड ऑफ एक्स के बराबर। अब मैं कह रहा हूं ये मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ इतना बता दो कि माइनस फाइव मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री, जल्दी बताओ। अब आगे कैसे सॉल्व करो, जल्दी बताओ आगे मेरी अप्रोच क्या रहेगी, सोचो। मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री, और ए की वैल्यू भी माइनस फाइव बाई थ्री आ गई, ए की दो वैल्यूज आ गई है माइनस फाइव बाई थ्री और माइनस वन बाई थ्री। तो मेरी अब अप्रोच क्या रहेगी, सोचो जल्दी फटाफट, जब तक मैं पानी पी लूं एक मिनट, जल्दी जल्दी फटाफट पानी देना। भाई साहब कभी भी किसी का भी मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी किसी का मॉड नेगेटिव नहीं हो सकता। सोचो ना, मॉड ऑफ एक्स कैन बी इक्वल टू माइनस फाइव बाई थ्री इज नॉट पॉसिबल, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री वन बाई थ्री इज नॉट पॉसिबल। बच्चों इसका मतलब क्वेश्चन में लोचा है, सोचो क्वेश्चन में लोचा है कि नहीं है, बोलो। मैं बता रहा हूं लोचा कहां है, ये माइनस हो जाए तो खेल खत्म। अगर ये माइनस 18 हो जाए तो खेल खत्म है, अगर ये माइनस 18 हो जाए तो खेल खत्म है बेटा, क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप सोच रहे हो भाई आईआईटी का क्वेश्चन यार मेरे से हो नहीं रहा है, अब मैं आगे कैसे बढ़ूं, मैं तो सोच में डूब गया, अरे भाई तुम्हें क्लियर कट बता रखा है पुनीत सर ने कि मॉड ऑफ एक्स का आंसर लेस देन जीरो कभी नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो आंख बंद करके बोल देना नॉट पॉसिबल सर, सर मुझे चारों ऑप्शन में से एक भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों कंडीशन में पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं सर, मैं तो परेशान हो गई। अरे परेशान नहीं, आप बोल दो सर ट्रिक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, ये बोलना चाहिए आपको। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यह हटेगा और यहां आ जाएगा माइनस का 18 मॉड ऑफ एक्स, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा माइनस का 18 मॉड ऑफ एक्स, माइनस का 18 मॉड ऑफ एक्स, माइनस का 18 मॉड ऑफ एक्स, तो आंसर आएगा माइनस 15 माइनस 3 ए, तो यहां बचेगा माइनस 3 और यहां माइनस साइन कॉमन निकलेगा, तो यहां पर बच्चों आंसर आएगा माइनस का 3a माइनस 5 3a माइनस 1, यहां आ जाएगा पॉजिटिव 5 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव 1 बाई 3 पॉजिटिव। अब आएगा मजा सर, अब आ गया है मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू प्लस 5 बाई 3 कब होगी, यानी एक्स की वैल्यू क्या हो, या तो प्लस माइनस 5 बाई 3, और एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस वन बाय थ्री। इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास चार रूट्स आ गए, एक तो प्लस वन बाय थ्री कॉमा वन बाय थ्री माइनस का, एक बार प्लस फाइव बाय थ्री और एक बार माइनस फाइव बाय थ्री। अब सबका क्या पूछा उसने, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सबका मल्टीप्लीकेशन कर दो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 9 3 जा 27 3 जा 81, आंसर आएगा नीचे 81, माइनस माइनस प्लस 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 5 5 जा 25, आंसर आएगा 25 बटे 81 25 बाय 81। क्लियर, इज इट क्लियर? बहुत शानदार, तो जल्दी से फटाफट ये सारे क्वेश्चन एक बार बहुत अच्छे से लिख लो, और दिमाग में छप गए हैं कॉपी में भी खटाखट छाप लो।